दूसरा कुरिन्थियों 6:3-18 तक हम वचन सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 वचन सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 6:6। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है, पर अपने लड़के बाले जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 7:7। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ देखिए, पौलुस ने कुरिन्थी कलिसिया वाला से अपना हृदय खोलकर अपना सेवकाई के बारे में यहाँ एक बातों को बता रहा है। वो सेवकाई के बारे में आज हम भी देखेंगे। हम तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, हम किसी बातों में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए करके पौलुस अपने सेवकाई के बारे में यहाँ बता रहा है, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर के साथ मिलकर वो सेवकाई करता है। देखिए, पवित्र आत्मा के बल से उनके सेवकाई में पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, यही पौलुस यहाँ बता रहा है। लेकिन आज हम बहुत लोगों को हम देख सकते हैं, बहुत लोग आज सेवकाई मतलब इसी में अपना नजरिया लगाते हैं, मतलब बहुत भीड़ आना चाहिए, बहुत मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमारे पास होना चाहिए, हमको दान ज्यादा आना चाहिए, मतलब इसे बस इतने में उन लोगों को सेवकाई का मीनिंग यही सोचते हैं, मतलब बस ऐसे ही हमको सेवकाई में सब कुछ हमको मिलना चाहिए, सक्सेस लोग पाने के लिए चाहते। लेकिन देखिए, पौलुस का सेवकाई का सक्सेस का पीछे ये कितने बात पौलुस ने यहाँ 4:10 तक कितने बातों को पौलुस यहाँ बता रहा है। क्लेश, कष्ट, जागना पड़ा, उपवास, ज्ञान, सच्चाई, पवित्रता, धार्मिकता के हथियार से,
क्या क्या बातों को बता रहा है, जो मतलब लोगों को निंदा, लोगों के बात, मतलब बंधन में, मतलब जेल खाने में, यात्रा में, ये सब कुछ पौलुस का जीवन में, सेवकाई में हुआ है। लेकिन आज बहुत लोग सिर्फ सक्सेस को ही चाहते हैं, इसका पीछे का भाग क्या है इसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन आत्मिक हमारा सेवकाई है, आत्मिक मंडल में एक बड़ी ताकत को लेके आना चाहिए। देखिए यही अच्छे सच्चाई सेवकाई है। पौलुस का जीवन में हम ये देख सकते हैं, कितने निंदा, इतने कष्ट सहा, कितने ये आया, तभी भी देखिए उसके बात भी स्थिर रहता है, अपने स्थिरता से उनका सेवकाय चलते रहता है। ये सब कैसा होता है? पौलुस का अपने खुद के बल से होगा क्या? नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है, वो हमें इस सारे बातों के ऊपर जय पाने का हमें एक सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है। अपने बल से, अपने युक्ति से, अपने ज्ञान से हम करने लगते हैं, हम ठोकर खाते हैं। यही पौलुस यहाँ बता रहा है, परमेश्वर का सेवकाय करते, वो हमें ये सेवकाय दिया है। आज भी हम भी देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े सेवक लोग हमारे सामने, कितने अच्छे अच्छे सेवक लोगों को हम देख रहे हैं। उन लोग अपने जीवन में इस सारे बातों में उन लोग सहन किया होगा, सारे बातों उनको ऊपर जय पाया होगा। अभी हम आगे स्टेज पर हम देख रहे हैं, उन लोग अच्छे से सब कर रहे हैं, लेकिन स्टेज का पीछे कितने उन लोगों को करना पड़ता है, उसके वहां वहां तक आने के लिए कितने बातों को, कितने शैतान को लोग को लड़ना पड़ा, सामना करना पड़ा, कितने लोगों को, कितने समस्या को, हरेक बातों में जय पाकर उन लोग आगे आया, क्योंकि उनका सेवकाई का मकसद परमेश्वर का, उसका राज्य को बांध काम करना चाहिए, लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। यही सेवकाई का मकसद के साथ जो लोग सेवकाई करते हैं, उन लोग जरूर टिकते हैं। लेकिन बहुत हम देख रहे हैं आजकल कितने नए नए सेवक लोग आते हैं, तुरंत वो लोग बड़ा नाम, हमको बस जैसा कोई कोई फील्ड में लोग ऐसे फेमस होने के लिए जाते, वैसे ही इसमें लोग आते हैं, लेकिन फेमस होने के लिए दाम चुकाने नहीं चाहते। देखिए पौलुस कितने अपने जीवन में ये सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, उनके बल से, बस पौलुस का जीवन में ये सब कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया। इसलिए आज हमको भी, हमारा जीवन में भी हमको ऐसे एक फलदायक जीवन जीना है, तो हम ऐसे मकसद के साथ हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए। तब देखिए पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी सेवकाई है वो देखिए लगातार जीवन भर चलते रहता है। वो आत्मिक मंडल में भी यहाँ वो उनके सेवकाई देखिए एक बड़ी प्रभाव, एक बड़ी ताकत को लेके आता है। हम एक जगह पे हम देख सकते हैं पौलुस को भी एक भूत पकड़ा हुआ, उसको लोग ने उसको भगाने के लिए चाहते थे, तब देखिए वो बता रहा है, जो भूत बताया, हम तो यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं करके। देखिए कितना आत्मिक मंडल में एक ताकत को, एक प्रभाव को लेके आया पौलुस। वैसे हमारा जीवन भी, हमारा सेवा भी ऐसे ही एक आत्मिक मंडल में ऐसे एक बड़ी ताकत को, एक प्रभाव को लेके आना चाहिए। देखिए ऐसे सेवकाई जरूर ठीकता है। लोग ऐसे ही सिर्फ सक्सेस को वो नहीं चाहिए, हमें दूसरा कष्ट नहीं सहना है, मतलब दुख नहीं होना है, हम कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ नाम चाहिए, सक्सेस चाहिए, ऐसे लोग भी आ जाए। ये सब देखिए तुरंत ऐसा लगता है काश के समान तुरंत तुरंत ऐसे आ जाता है, इसके तुरंत देखिए थोड़े दिन में वो लोग सूख जाते, इसमें से हमको पता चलता है लोग सही नींव में नहीं रहा, सिर्फ इन लोग जड़, मतलब गहराई में
उन लोग नहीं गया, सिर्फ थोड़े से धूप आने लगा वो लोग सूख गया। इसलिए हमारा जड़ पवित्र आत्मा के बल से भरपूर होकर उनके सामर्थ्य से उनके ताकत से हमारा सेवकाई को हम करने लगते हैं। देखिए हमारा जीवन भी एक फलदायक जीवन होता है, जैसा पौलुस का जीवन को हम देख रहे हैं, कितने बड़ी ताकत प्रभाव लेके आया, आज हम तक ताकत कार्य कर रहा है। वैसे आज भी हमारे जीवन भी ऐसे होना चाहिए, केवल सिर्फ नाम के लिए नहीं है, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम उनके अंदर एक मसीह के साथ जुड़कर हम यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा के बल के साथ हमारा सेवकाई को हम करने लगते। देखिए हमारा जीवन भी कितने भी आंधी आए, तूफान भी आए, कोई भी लोग हमारे बारे में कुछ न कुछ चर्चा करें, कुछ भी बोले, हमको कुछ नहीं होगा, हम सारे बातों के ऊपर हम जय पाएंगे, क्योंकि हमारा नींव हमारा यीशु मसीह के ऊपर है, कोई भी नाम के ऊपर नहीं है, कोई भी ऐसे दुनिया के चीजों पर नहीं है, हमारा नींव यीशु मसीह के ऊपर है। इसलिए सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है, हम जय पाएंगे। अभी देखिए ऐसा बातों को बताते आया, फिर पौलुस ने बता रहा है, हम तो आप लोगों को सामने कुल्लन कुल्ला है, हमारे हृदय को आपका सामने छुपाने का जरूरत नहीं, हमारा हृदय तो आपका सामने तो खुला है, लेकिन आप लोग कोई हमारा बारे में आप लोगों को मन में कुछ संकोच है करके पौलुस यहाँ बता रहा है। कुरिन्थी कलिसिया वाला का अंदर ऐसे ही कुछ कुछ बातों को लेकर पौलुस का सेवकाई के बारे में, पौलुस के बारे में उनके मन में ऐसे संकोच हो गया, इसलिए उन लोग ने क्या किया, तब पौलुस के छोड़कर उन लोगों का ऐसे अविश्वास के साथ ऐसे ही मतलब दुनिया के अंधकार के कामों दूसरे बातों में उन लोगों को अपने मन को लोग फिर लिया, उनके ऊपर लगाने लगा। इसलिए पौलुस बता रहा है मतलब देखिए विश्वासी और अविश्वासी के साथ क्या मिलजुल है, एक अंधेरा और ज्योति के साथ क्या संगति है करके पौलुस हर एक बातों को वहां समझा रहा है। कुरिन्थी कलिसिया वाला को एक एक बातों को समझाते हुए हम देख रहे हैं, एक एक बातों को वहां बता रहा है। देखिए पौलुस अपने सेवकाई में कितने कष्ट सहा, कितने ये सब कुछ किया, यही सब उन लोगों को निश्चय करता है ये परमेश्वर का सेवक है करके, लेकिन इन लोगों का मन में कुछ अलग अलग वाद विवाद चल रहा है, चर्चा चल रहा है, इसलिए पौलुस उन लोगों को बताया क्या आपको। देखिए पौलुस उन कलिसिया के लिए कितने अच्छे अच्छे बीजों को बोया, सच्चाई वचनों को उन लोगों को बताया, लेकिन सच्चाई से भटकाने वाला सारे बात देखिए कलिसिया के अंदर आ गया है, इसलिए वो आत्मिक पिता के साथ उनको हृदय खोल नहीं पा रहे। देखिए आज ही अभी कलिसिया के अंदर भी दुनिया के बाद दुनिया आ जाता है, वहाँ पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाता है। आज बहुत जगह पे हम देख रहे हैं दुनिया के स्टाइल में, दुनिया के बातों में हम इसी में लोग ध्यान देने लगते हैं। पवित्र आत्मा कार्य कलिसिया में होना है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, अपने सेवकाई के द्वारा पवित्र आत्मा क्या करने के लिए वो चाहता है करके लोग इसको सब भूल कर अपने मन मर्जी को, अपने कमाई के लिए, अपने नाम के लिए शैतान के इच्छा को लोग पूरी करते हैं। ऐसे ही दुनिया के बाद कलिसिया के अंदर आ जाता है, तब देखिए अच्छे अच्छे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों भी पीछे हो जाते हैं, उन लोगों को भी वहाँ काम करने के लिए सेवकाई करने के लिए वहाँ जगह नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे बात पहला कुरिन्थियों 15:33 में हम देखते हैं, धोखा ना खाओ, पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए ऐसे बिगाड़ने वाला भटकाने वाला ऐसे बातों से उन लोग ने पूरा क्या कर दिया, कुरिन्थी कलिसिया वाला अपने हृदय को उसके साथ जोड़ गया। इसलिए पौलुस यहाँ बता रहा है आप लोग हृदय खोल के बात करो करके, तब ये सब उनके मन में आ गया है तो
कहां से हृदय खोल के वो लोग बात कर पाएंगे। देखिए अच्छा से एक खेती पौलुस ने लगाया, लोगों के एक अच्छा गार्डन के समान उन लोगों को देखिए कुरिन्थी कलिसिया में एक अच्छे अच्छे बीज को बोया, एक अच्छे से रहेगा करके, एक फलदायक वो लोग रहेंगे करके। लेकिन आके देख रहा है इनके कलिसिया के अंदर पूरा भी खास आ गया, पूरा ऐसे हम देख रहे हैं एक गार्डन में पूरा मतलब अच्छे अच्छे फल लगाते हैं, अच्छे अच्छे बीज हम बोते हैं, लेकिन वहाँ खास आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। घास को भी हम बढ़ने देते हैं, वो क्या हो जाता है, अच्छे सब्जियों को भी अच्छे फल को भी वहाँ वो बढ़ने नहीं देता है, वो पूरा दबा देता है। वहाँ ऐसे हो गया है, मतलब कुरिन्थी कलिसिया वाला के अंदर ऐसे जो भी अलग अलग ऐसे ही बात आया है, लोग मूर्ति पूजा के लिए, अंधेरा का जो भी विपचार पापों के लिए, ऐसे अलग अलग बातों के लिए उन लोग जगह दे दिया है, इसलिए अच्छा इस संगति को लोग ने क्या कर दिया है, वही बता रहा है पौलुस। इसके साथ हमें क्या संबंध है, दुनिया के साथ हमें संबंध रखने से क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ, दुनिया के साथ प्रेम करने से हम परमेश्वर के साथ बैर करने लगते हैं, मतलब हम विरोध करने लगते हैं। यहाँ यही हो रहा है आज हमारे जीवन में भी, देखिए दुनिया वाला के साथ हमको रहना, मतलब ये नहीं है हम आत्मिक बन गए तो पूरा दुनिया को छोड़ के जाना, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन दुनिया में एक प्रभाव को, एक ताकत को लेके आना चाहिए, हम ऐसे उनके साथ मिलजुल के उनका सामर्थ, दुनिया के सामर्थ हमारे ऊपर जय नहीं पाना चाहिए। हमारा आत्मिक ताकत हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है, इसलिए हम उनके ऊपर जय पाना चाहिए। यही पौलुस यहाँ बता रहा है, देखिए एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं, कैसे मेल जुल के रहेंगे। यहाँ ये वचन को अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना है, एक विश्वासी करके उसके लिए बता रहा है, क्योंकि देखिए शादी करने से क्या हो जाता है कि गधा और घोड़ा का साथ में जोड़ी है वो क्या होता है, घोड़ा तो तेज भागने लगता है, गधा तो जाता ही नहीं है, वहां बैठता है, गधा के द्वारा बहुत ये होता है। सही परमेश्वर ने ऐसे हमें बनाया, देखिए एक विश्वासी विश्वास के साथ ही जोड़ना चाहिए, वैसे ही ज्योति के साथ ज्योति में हम बने रहना चाहिए, हम ऐसे ही ज्योति का बच्चा बनकर हम अंधकार में हम जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, हम ऐसे ही ताकत में हम नहीं, ऐसे ही दुनिया का सामर्थ दुनिया के साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए, लेकिन फेलोशिप में हम नहीं होना चाहिए, उनके स्टाइल उनके साथ उनके बातों में हम भी उनके भागीदार उनके साथ सहभागीदा हम नहीं होना चाहिए, हम मसीह के साथ सहभागीदा हो गया, हम यीशु के साथ उनके जीवन के साथ उनके मृत्यु के साथ हम सहभागीदा हो गया है। इसलिए ये दुनिया में ये अंधेरा के साथ ऐसे ही बातों में हम सहभागीदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम जीवित परमेश्वर का मंदिर बन गया है, अभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। देखिए अभी हम उनके लिए हम हमारा जीवन हमारा सेवकाई हमारा मन हमारा शरीर हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के लिए हम देना चाहिए, तब देखिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलते फिरते हैं, हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, देखिए कितने बड़ा प्रतिज्ञा हमारे लिए मिला है। इसलिए आज हम सब ये इसी में ध्यान देना चाहिए, ये संगति में देखिए हम दुनिया के संगति में हम नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे ही अंधेरा का सामर्थ हमारे उनके साथ हम मेल मिलाप नहीं हो पाएंगे, हमारा अच्छा संगति हमारा कलिसिया के साथ हमारे एक अच्छा आत्मिक माता पिता परमेश्वर ने हमें दिया है उन लोगों के साथ, उन लोग देखिए हम उनके सामने हम हृदय खोल के रहना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातों को शैतान देखिए हमारा विश्वासी भाई बहन के बारे में हमारा सेवक लोगों के बारे में हमारा हृदय के अंदर ऐसे कुछ गलत बीजों को वो डालता है, तुरंत हमको क्या करना चाहिए, उसको हम बढ़ने नहीं देना चाहिए, हम पवित्र आत्मा का
आत्मा में हम समर्पण करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो चलते फिरते रहता है, तो देखिए ये सारे बात हमारे जीवन में वो बढ़ेगा ही नहीं है। अच्छा से देखिए, यीशु मसीह भी देखिए हमेशा पिता के साथ उसके संगति में रहते हुए सेवकाई किया, लेकिन शैतान देखिए यीशु मसीह का सेवकाई में भी आके यही पहला यही वो चाहता था पिता से उनको संगति को कैसा भी छूटना चाहिए। इसलिए ऐसे ही परीक्षा की अपने आप ये यीशु मसीह काम करना चाहिए, पिता के साथ मिलकर नहीं करना चाहिए करके संगति को बिगाड़ने के लिए तोड़ने के लिए वो चाहता था। वैसे आज भी एक कलिशिया में भाई बहन लोगों को बीच में, सेवक लोग विश्वासी लोगों को बीच में अच्छे देखिए एक अच्छा फेलोशिप को वो तोड़ने के लिए चाहता है, लेकिन देखिए हम अच्छे संगति में हम बने रहना चाहिए। देखिए हम परमेश्वर का पुत्र पुत्री है, बेटा बेटी है, इसलिए हम ऐसे ही हर एक बातों में हमारा हृदय में हमारा शरीर में पवित्र आत्मा के लिए हमको जगह देना है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करने के लिए हम आज पूरा पूरा हम समर्पण करेंगे। हम पवित्र आत्मा निवास करने वाला मंदिर है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक धुन के साथ कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमें पिता यीशु मसीह के साथ वो संगति में उसी में हम बने रहने के लिए वो हमें सहायता करता है। इसलिए हम पूरा पूरा अपने जीवन को उनके हाथों में हम समर्पण करेंगे, तब देखिए हमारा हृदय हमारा जीवन ऐसे एक पौलुस ने बताया मेरे हृदय आप लोगों के सामने खुला है, मुझे तो आपके बारे में कुछ भी संकोच नहीं है, लेकिन आपका मन में हमारे बारे में कुछ संकोच है, इसलिए ऐसा बता रहा है आज। इसलिए हमारे हृदय में पूरा पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम जगह देना है, पवित्र वचन हमारे हृदय में भरा रहना चाहिए। देखिए यही संगति में हम जुड़े रहेंगे, हम परमेश्वर के लिए हम एक फलदायक जीवन हम जिएंगे। आमीन। वचन सुनेंगे भजन संगीता 105 12 से 22 तक वचनों को हम देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 105 भजन संहिता अध्याय 105 उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छू और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्य के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। देखिए हम यहाँ पर परमेश्वर का विश्वास योग्यता के बारे में हम देख सकते हैं। हमारा हर एक जीवन में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखिए इसराइल जनता लोग थोड़े ही लोग थे, हम कितने मतलब उन लोग एक बड़े बलवान थे, बड़े सूरवीर थे, बड़े बहुत लोग थे, इसलिए परमेश्वर उनको चुन लिया, उनको अभिषेक किया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, वो लोग थोड़े ही लोग हैं। हम उस समय मतलब देख सकते हैं गिनती में छोटे थे वो लोग, ज्यादा बड़े ऐसा नहीं है, बहुत छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। तब देखिए उनको चुन कर लेके आया, जितने राज्य राज्य में देश देश में उनको लेके आया, कोई भी उसको सताने के लिए वो नहीं दिया है। लोग मतलब ऐसे ही आया था, लोग प्रॉब्लम आया समस्या आया, लेकिन हर एक समय में परमेश्वर उनको छुड़ाया,
क्योंकि उनको बुलाया परमेश्वर ने, उनको चुन लिया था, इसलिए परमेश्वर अपने अभिषेक किए हुए लोगों को, नबियों को, कोई किसी को ऊपर भी हाथ डालने नहीं दिया है। देखिए परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को संभालता है, अपने हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया है, हमारे ऊपर उनको अभिषेक, हमारा हरेक को उन्होंने अभिषेक किया है, उनके अनुग्रह का वाचा बांध लिया है। देखिए आज हम सब नया नियम में हम देख रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा, उनके पवित्र लहू के द्वारा हमारे साथ एक नया वाचा बांध लिया है। इसलिए देखिए हम सब अभी मसीह के अंदर है, उनके अनुग्रह के अंदर है, यही परमेश्वर हमें ऐसे हम देख रहे हैं। इसलिए आज हम सारे हमारा सारे जरूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। देखिए इसराइल जनता लोगों को लेके आया, वहां देखिए देश में अकालपन आया, उनके उसके पहले ही देखिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वहां तैयार किया। लोग ने, उनके भाई लोग ने यूसुफ को ऐसे बेच डाला, उन लोग ने उसको बुराई किया, ये लोग उन लोगों का मन के शैतान ने ऐसे ही अपने भाई के विरोध में बुराई काम कराया, लेकिन देखिए परमेश्वर इस बुराई को भी भलाई के रूप में बदल दिया। उस देश के लिए, इसराइल देश को परमेश्वर ने चुन लिया था, अपने विश्वास योग्यता को वहां कैसे दिखा रहा है। देखिए परमेश्वर यूसुफ को जीवन में भी हम देख रहे हैं, वहां बेचा गया है। देखिए मिस्र देश में पोतीबार का, वहां बेचा गया है। पोतीबार का बीवी ने उसको बार बार ऐसे कुछ गलत काम करने के लिए वो सताते रही, तब देखिए वहां उनके ऊपर एक गलत दोष लगाई, वहां से देखिए उनको जेल खाने में रहना पड़ा, तब देखिए जेल में रहता है, वहां से ऐसे परमेश्वर का वचन पूरी होने समय तक परमेश्वर का वचन हर एक दिन उसको एक नया करते रहा। मतलब देखिए हम देख सकते हैं वचन में, 19 वचन में हम देख रहे हैं, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा करके यूसुफ के बारे में यहाँ बताया गया है। परमेश्वर का वचन पूरी होने समय तक उनके जीवन में कसौटी से वो कसता रहा। तब देखिए समय आया, राजा का स्वप्न आया, तब स्वप्न बताने वाला कोई नहीं था, तब स्वप्न का अर्थ बताने के लिए यूसुफ के पास लोग आया है, क्योंकि उसके पहले भी यूसुफ का साथ जो लोग रहते थे, राजा का सेवक लोग थे, तब उनके लिए एक बार स्वप्न आया था, उन दोनों को स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। देखिए 2 साल तक उन लोग भूल गया, तब वहां देखिए एक समय आया, राजा को स्वप्न आया, अभी राजा का स्वप्न का अर्थ बताने का वहां कोई नहीं था। तब देखिए परमेश्वर का, देखिए समय कैसे उनका बुलाए हुए लोगों के ऊपर उनका हर एक बात कैसे कैसे पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। भूल गया है क्या, ऐसे उनको लगा होगा, परमेश्वर का वचन को पकड़ते हुए उनको वो रहा, परमेश्वर उनको ऐसे दर्शन दिखाया राजा बनाने का, लेकिन सब उल्टा दूसरा दिशा में जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो तो पूरा गुलामीपन में जेल में रहता है, लेकिन देखिए सही समय पर आया, राजा लोगों को भेजा, जो लोगों का को अधिपति उनको छुड़ाया, देखिए अधिकारी ने उनको छुड़ाया, तब देखिए वहां परमेश्वर का बात विश्वास योग्यता को हम देख रहे हैं। कितने देखिए सब लोगों को, ज्ञानवान को, सारे लोगों को अधिकारी बना, सारे बातों को पर उनको वो राजा ने अधिकारी बना दिया है। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, आज हमको भी परमेश्वर ये वचन दिया है, ये दर्शन दिया है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे दूसरा दिशा में जा रहा है ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे बुलाया हुआ परमेश्वर वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। जैसा हम पौलुस के जीवन में हम देख रहे हैं, पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया था, उनको बुलाया
आया तब देखिए उनके जीवन में कितने कष्ट कितने बात उसको सामना आया। लोग ऐसे उसको मार डाले थे, कितना ऐसे वो मर गया ऐसा लग रहा था, कितने यात्रा करना पड़ा, क्या क्या वहां वहां से लोगों को निंदा अपमान गाली ये सब सुनते हुए भी टूटा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको हर एक दिन देखिए नया बल नया ताकत देता रहा। देखिए अनुग्रह में वो बढ़ते गया, देखिए पवित्र आत्मा के बल से वो बढ़ते गया। देखिए आज भी उनका जीवन हमारे लिए एक फलदायक जीवन था। वैसे देखिए यूसुफ का जीवन भी कितने ऐसे कसौटी से ऐसे रहा। देखिए कोई भी ऐसे जीवन आपका जीवन हो रहा है आपको, देखिए आज इसको देख के ऐसे मन निराश नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलने वाला है, बहुत लोग आशीष पाने वाला है, इसलिए शैतान आपको ऐसे दबा रहा है, लेकिन उसी में भी परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाने वाला है। उनके हाथ देखिए ऐसे ही उनका अभिषेक करने वाला को ऊपर, उनको नबियों के ऊपर हाथ छूने नहीं दिया है। आपका समस्या ऐसे बड़ा लग रहा है, लेकिन समस्या से छुड़ाने वाला हमारा प्रभु बड़ा है, हमारा परमेश्वर वो बड़ी वो विश्वास योग्य है। आपको बुलाया है, आपको बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। उनका वचन कभी नहीं बदलता है, उनका प्रेम कभी नहीं बदलता है, उनका वरदान कभी नहीं बदलता है। आज इसको हम विश्वास करेंगे, उनका अनुग्रह में उनका जीवन हमारे अंदर कार्य करने के लिए हम जगा देंगे। आज ऐसे ही बने रहेंगे उनके वचन में, उसको पकड़ते रहेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में जो दिया है दर्शन विश्वास, विश्वास के दौड़ में हम पूरी करेंगे, हम विजय का मुकुट को हम पहनेंगे। जैसा यूसुफ का जीवन में देखिए विजय का मुकुट पहनाया, जैसा लोगों को ऐसे ही जेल खाने में रहा, देखिए वो जेल से कैसे छुड़ा कर देश का अधिकारी बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने हम आज ऐसे नीचे गिरे हुए अवस्था में होंगे। उनका अनुग्रह बड़ा है, वो विश्वास योग्य है। देखिए हमारे लिए आज वो बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर, आज हम विश्वास करेंगे। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे हर एक हृदय में कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन के द्वारा आप हमारे मन में एक बड़ी प्रभु ताकत दिया है प्रभु। हमारा मन में सारे निराश दुख को आप दूर किया है प्रभु। आप हमारे लिए प्रभु नया रास्ता खोलने वाला है परमेश्वर, आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे साथ है, आपका अभिषेक हमारे साथ है प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।